हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैंट्री स्कूल। बेटा, हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 7 आवर नेशनल एंथम कर रहे थे और उसके पेज नंबर पर आ गए थे हम 47 पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कमल, अब कमल एक क्वेश्चन पुट करता है मैम से, विच रूल शुड बी फॉलोड वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम। वो कहता है कि जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए टीचर। यस कमल, हाँ कमल, यू हैव आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुमने मुझसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वी शुड स्टैंड इन अटेंशन वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम और इवन इफ द ट्यून इज बीइंग प्लेड। जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेंशन में खड़ा होना चाहिए, बड़े ध्यान से खड़ा होना चाहिए, यहाँ तक कि जब इसकी ट्यून भी बज रही हो। ऑल्सो वी शुड नॉट टॉक, लाफ और ईट इन बिटवीन वाइल द नेशनल एंथम इज गोइंग ऑन। जब नेशनल एंथम गाया जाता है उस समय ना तो हमें बात करनी चाहिए, ना ही हंसना चाहिए और ना ही कुछ भी बीच में खाना चाहिए। ऑल द स्कूल चिल्ड्रन शुड लर्न टू सिंग द नेशनल एंथम इन इट्स प्रॉपर ट्यून। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें नेशनल एंथम पूरी प्रॉपर ट्यून में गाना सीखना चाहिए। प्रिया, अब एक दूसरा स्टूडेंट क्या क्वेश्चन करता है मैडम से, डू ऑल द कंट्रीज हैव देयर ऑन नेशनल एंथम। क्या सभी कंट्री के पास अपना नेशनल एंथम है, यानी कि सब कंट्रियों के पास नेशनल एंथम है। अब पेज नंबर 48 पर आ गए बेटा हम। टीचर क्या आंसर देती है, यस लाइक ऑल द कंट्रीज हैव देयर ऑन फ्लैग्स एंड ऑल द कंट्रीज हैव देयर नेशनल एंथम। हाँ, जैसे हमारे पास अपना नेशनल एंथम है उसी तरह से सभी कंट्री के पास अपना फ्लैग और नेशनल एंथम भी है। मोस्ट नेशनल एंथम रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। अधिकतर जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो राष्ट्रीय को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, अब सभी बच्चे क्या करते हैं, थैंक यू मैम, मैडम का धन्यवाद करते हैं। मैम धन्यवाद, वी हैव लर्न अ गुड लेसन अबाउट द नेशनल एंथम टुडे। आज हमने नेशनल एंथम के बारे में बहुत ही अच्छा लेसन सीखा। टीचर, यू आर वेलकम चिल्ड्रन, लेट अस नाउ सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर। चलो आज हम वो टीचर बच्चों को कहती है यू आर वेलकम, आज हम नेशनल एंथम इकट्ठे होकर गाते हैं। देन ऑल द चिल्ड्रन स्टूड अप एंड सिंग द नेशनल एंथम इन द क्लास। सभी बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने मिलकर क्लास में ही नेशनल एंथम गाया। बेटा, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज को आप बुक में करेंगे और ऑनलाइन क्लास में इसकी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। और बेटा, लेसन नंबर 7 के डिफ़िकल्ट वर्ड का भी ऑनलाइन क्लास में ही टेस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।